राजपुर नामक गांव में मनोहर और दिलीप नाम के दो युवक रहते थे। वे दोनों चोरी चकारी करके अपना पेट पालते थे। एक बार मनोहर और दिलीप एक मंदिर के सामने खड़े थे कि तभी उनके पास एक कार आकर रुकी। उस कार में से एक साधु और उसके कई चेले उतरे। साधु को देखते ही लोग उस पर फूल बरसाने लगे और उसके चरणों में ऐसे गिरने लगे कि मानो भगवान स्वयं धरती पर उतर आए हों। साधुओं का ये भव्य स्वागत और ठाट बाट देखकर मनोहर और दिलीप बहुत प्रभावित हुए और फिर आपस में चर्चा करने लगे। अबे मनोहर, देख तो साधु जिंदगी के कैसे मजे ले रहे हैं। इनके ठाट बाट देखकर तो मन में आता है क्यों ना हम भी साधु बन जाएं। तो बात तो ठीक कह रहा है यार, साधु बनकर हम कहीं से मोटा हाथ मार सकते हैं। पर वो कैसे? वो ऐसे कि साधु का वेश बनाकर हम लोगों को आसानी से लूट सकते हैं। हाँ, ये बात तो तूने बिल्कुल सही बोली। इस तरह दिलीप और मनोहर लोगों से आसानी से पैसा लूटने के चक्कर में साधु बन जाते हैं। मनोहर गुरु और दिलीप उसका चेला बन जाता है। दोनों एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। देख चेले, हम बाबा बनकर इस गांव में तो आ गए हैं, पर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो क्या गुरुजी? इस गांव के सब लोगों की जन्म कुंडलियां बनानी पड़ेंगी। सबकी स्थिति, परिस्थिति, सुख दुख और नाम सहित ब्यौरा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि समझ गया, ताकि हमारा धंधा अच्छे से चल सके। मैं ये काम आज से ही शुरू कर देता हूँ। तुम बस खुद को पहुँचा हुआ महात्मा सिद्ध करने पर लगे रहो। उसके बाद गुरु चेला अपनी चालाकी से गांव के हर घर और आदमी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोनों मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। एक दिन पीपल के नीचे दो ग्रामीण गुरु और चेले से अपने ग्रह नक्षत्र के बारे में पूछने आते हैं। गुरुजी ध्यान लगाइए और दिनेश के बारे में कुछ बताइए। शादी के 12 बरस हो गए हैं मगर कोई संतान नहीं हुई, संतान के लिए दुखी हो? बिल्कुल सही बताया गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी निकले। हमारे गुरुजी बंद आँखों से मन की बात पढ़ लेते हैं भाई। क्या गुरुजी कुछ भी बता सकते हैं? अरे नहीं नहीं, अब तो गुरुजी के ध्यान का समय हो गया है। अब आप लोग जाइए, कुछ पूछना है तो कर आइएगा। ये कहकर गुरु फिर से ध्यान करने लगते हैं और फिर अगले दिन गुरुजी बालक का कष्ट तो बता दिया, अब इस कष्ट का निवारण भी बताइए। हाँ गुरुजी, आप तो पहुँचे हुए सन्यासी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी संतान सुख प्राप्त हो। दिनेश के ये पूछने पर गुरुजी कहते हैं, महादोष है, तुम्हारी राशि में महादोष चल रहा है बालक। जब तक वो दोष दूर नहीं होगा तब तक तुम बाप नहीं बन सकते हो। गुरुजी इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सूरज देवता को प्रसन्न करना होगा बालक, पूरे 20,000 का खर्चा आएगा। गुरुजी पर सूरज देवता मान तो जाएंगे ना? अगर तुम पैसा ले आए तो उनको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। इस तरह दिनेश सहित सभी ग्रामीण गुरुजी की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही वाह गुरुजी, धंधा तो चल निकला, अब तो ऐशी ऐश है हमारे। तू देखता जा चेले, इन अनपढ़ गांव वालों को सूरज देवता के नाम पर कैसे पागल बनाऊंगा कि ये सब अपनी सारी कमाई लाकर मेरे चरणों में रख देंगे। कुछ दिनों में सभी गांव वाले गुरुजी को सिद्ध महात्मा मानकर उनकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं और गुरुजी का नाम दूर दूर के गांव तक फैल जाता है। उनके पास इतना धन आने लगता है कि वे अपने रहने के लिए एक शानदार आश्रम बना लेते हैं। गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे घर की आमदनी दुगनी हो जाए, क्या कोई ऐसा उपाय है? सरपंच जी, मैं चाहूँ तो आपके घर में रखे धन को एक रात में दुगना कर सकता हूँ। क्या ये हो सकता है? पर इसके लिए क्या दक्षिणा लगेगी? हमें दक्षिणा का कोई लालच नहीं है सरपंच, हम तो साधु हैं साधु। चेला बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो फिर क्या करना होगा?
कुछ खास नहीं, बस सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए सूर्य संक्रांति का उपवास रखना होगा और सूर्य को जल देकर दान देना होगा। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। धीरे धीरे धन को दोगुना करने वाली बात सारे गांव में फैल जाती है और सब एक दूसरे से छिपकर गुरुजी के पास आने लगते हैं। गुरुजी की जय हो। गुरुजी, आपकी कृपा से संतान तो मुझे मिल ही जानी है, क्या मैं अपना धन भी दुगना कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब सरपंच अपना धन दुगना कर रहा है तो तुम भी ये कर लो। तो ये 10,000 का धन को दुगना करने के लिए आप इसे ले लीजिए। फिर तो गुरु और चेले के पास दान करने वालों की कतार लग जाती है और खूब सारा धन जमा हो जाता है। उधर गांव वाले सूर्य संक्रांति का उपवास रख अपने धन को दोगुना करने के लिए सूरज को जल चढ़ाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन आसमान में बादल छा जाते हैं और सूरज कहीं दिखाई ही नहीं देता। ये देख गांव वाले घबरा जाते हैं और गुरु के आश्रम की तरफ भागने लगते हैं। गुरु जी, सूरज तो निकला ही नहीं, अब क्या होगा? गुरु जी, आप तो दिव्य पुरुष हैं, जल्दी से कोई उपाय कीजिए। उनकी बात सुनकर गुरु जी को ठगी का एक नया उपाय सूझ जाता है। ये तो अनर्थ हो गया, सूरज देवता को एक खतरनाक राक्षस ने चुरा लिया है और वो उसकी कैद में है। उन्हें राक्षस की कैद से मुक्ति दिलानी होगी। सूरज को राक्षस की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना होगा गुरुजी? अगर सूरज कैद से आजाद ना हुए तो क्या होगा गुरुजी? आप सब बर्बाद हो जाएंगे, आपके घरों में रखा सारा धन राख हो जाएगा और गांव में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। गुरुजी की ये बात सुनकर गांव वाले हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। और तभी, गुरुजी, सबको राक्षस से मुक्त कराने का उपाय तो बताइए, हो सकता है कि ये गांव वाले उस उपाय को करने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ गुरुजी, कुछ भी करना पड़े, हमारे धन को राख होने से तो बचाना ही होगा और साथ ही सूरज को वापस भी लाना ही होगा। सरपंच की बात सुनकर गुरुजी खुश हो जाते हैं और फिर, इसका केवल यही उपाय है सरपंच, कि आप सब गांव वाले आज रात के लिए अपना सारा सोना चांदी रुपया पैसा मेरे आश्रम में लाकर रख दें। यहाँ रहेगा तो वो राख होने से बच जाएगा। और फिर सूरज का क्या होगा? आज रात मैं आपके धन की रक्षा करूँगा और कल सूरज को राक्षस की कैद से मुक्त कराने के लिए पूजा पाठ करूँगा। इस तरह आपके दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे। गांव वालों को गुरुजी में पूरी श्रद्धा थी और वे उन पर पूरा भरोसा करते थे, इसीलिए आंखें बंद करके अपने घरों का सारा सोना चांदी और रुपया पैसा आश्रम में रखकर अपने घर चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद, गुरुजी, अब तो हम माला माल हो गए हैं, बोलो अब क्या करना है? अबे सबसे पहले तो ये गुरु चेले वाला ढोंग छोड़ और अपनी असलियत पर आ। दिलीप कहीं के, जल्दी आ। ठीक है मनोहर, अब बता क्या करे? करना क्या है, सारा धन बोरों में भर लो और रात के अंधेरे में शहर की तरफ निकल लो। इतना धन है कि जीवन भर खर्च नहीं कर पाएंगे। इस तरह गुरु चेला दोनों अपनी असलियत पर आ जाते हैं और फिर गांव वालों का सारा धन समेट कर शहर की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। मगर दिनेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है और सरपंच को जाकर बता देता है। तो ये गुरु चेला ठग है, मनोहर और दिलीप नाम के ठग, वो हम गांव वालों को कंगाल करके भागना चाहते थे। बिल्कुल सही सरपंच जी। तो चलो, इन्हें जेल की हवा खिलाने की बारी आ गई है। ये कहकर सरपंच सहित सभी गांव वाले उन्हें आश्रम से फरार होने से पहले ही काबू में कर लेते हैं और उनकी अच्छे से खबर लेते हैं। वे दोनों अपनी असलियत कबूल लेते हैं और फिर सुबह होते ही और दिनों की तरह सूरज भी बादलों को भेद कर चमकने लगता है। सूरज को देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और दिलीप व मनोहर को पुलिस के हवाले कर देते हैं।